पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश से बादल और बारिश इन दिनों गायब नजर आ रहे हैं। लंबे वक्त से बारिश न होने की वजह से मौसम शुष्क बना हुआ है। राज्य में वर्षा गतिविधि में भारी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक कुलदीप श्रीवास्तव के मुताबिक 2 अक्टूबर मॉनसून के विदाई के साथ ही राज्य में रेनफॉल एक्टिविटी में कमी आई है। इसकी वजह से राज्य में ड्राई स्पेल देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में भी मौसम साफ बने रहने का अनुमान है। हिमाचल प्रदेश में अक्टूबर महीने के अंत तक मौसम साफ रहेगा। प्रदेश भर में इन दिनों धूप खिल रही है, लेकिन सुबह और शाम के वक्त ठंड महसूस की जा रही है। हिमाचल प्रदेश के 6 जिले ऐसे हैं जहां 100% तक कम बारिश हुई है। यहां बीते 23 दिनों में 0 मिलीमीटर बारिश हुई है। राज्य के बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, कुल्लू, सिरमौर और सोलन जिला में 0 मिलीमीटर बारिश हुई है। बात अगर अन्य 6 जिलों की करें तो बीते 23 दिनों में कांगड़ा में 1.5, किन्नौर में 0.4, लाहौल स्पीति में 0.1, मंडी में 3.4, शिमला में 0.2 और ऊना में 8.6 मिलीमीटर ही बारिश हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक कुलदीप श्रीवास्तव के मुताबिक अक्टूबर महीने में अमूमन कम ही बारिश होती है और राज्य में सामान्य तौर पर 22.3 मिलीमीटर बारिश होती है, लेकिन इस बार अक्टूबर महीने में सिर्फ 0.7 मिलीमीटर ही बारिश हुई है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में भी मौसम साफ बना रहने का ही अनुमान है। देखिए, जो अभी तक हिमाचल प्रदेश में जो बारिश हुई है पूरे प्रदेश में लगभग 0.7 mm के आसपास हुई है और आमतौर पर अक्टूबर के महीने में जो है लगभग 2 सेंटीमीटर, 2 से 2.5 सेंटीमीटर के आसपास रेनफॉल होती है। तो ओवरऑल देखेंगे -97% है, लेकिन आप देखेंगे कि ओवरऑल ही रेनफॉल लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर के आसपास होती है, तो जो कि काफी कम है हमारे पास। और आमतौर पर देखेंगे कि जो अक्टूबर का महीना क्लाइमेटोलॉजी वाइज भी कम रेनफॉल का होता है, क्योंकि इसी समय मानसून का विड्रॉल होता है, विंड डायरेक्शन में चेंजेस होते हैं। तो हालांकि ये -97 एक बड़ा फिगर लगता है, लेकिन अगर आप क्वांटिटी वाइज देखेंगे तो 2 mm से 3 सेंटीमीटर की रेनफॉल होती है और सिर्फ जो रियलाइज हुई है 0.7 mm की रियलाइज हुई है। अगले दिनों की बात करते हैं तो जैसे धूप खिली हुई है, अगले 5 से 7 दिनों तक पूरे हिमाचल प्रदेश में ऐसे ही धूप खिली रहेगी और बादल बहुत ही कम रहेंगे हमारे पास। और जो तापमान है उसमें सवेरे और शाम आपके पास थोड़ी सी गिरावट होगी और ठंड महसूस करेंगे। और जो अधिकतम तापमान है वो लगभग 22 से 23 डिग्री सेंटीग्रेड शिमला जिले के आसपास बना रहेगा और जो न्यूनतम तापमान है वो लगभग 10 से 11 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास शिमला के आसपास के डिस्ट्रिक्ट में बना रहेगा। टेम्परेचर चूंकि अभी कोई ऐसा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हमारे पास इफेक्ट नहीं किया हिमाचल प्रदेश में, तो इतनी अभी सिग्निफिकेंट अमाउंट में रेनफॉल और स्नोफॉल कुछ रिपोर्ट नहीं हुआ है, तो जो टेम्परेचर में गिरावट होगी वो ग्रेजुअल ही हमारे पास धीमे धीमे करके ही आगामी दिनों में होगी, बहुत रैपिड नहीं होगी। जब कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा जिसके एसोसिएशन में रेनफॉल या स्नोफॉल होगा, तब हमारे पास तेजी से चेंजेस रियलाइज होंगे।